अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं मिस्टर हसन मकसूद से, जो सीईओ हैं बीसीएम कंपनी के, जो कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी है। मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी कैपिटल मैनेजमेंट फर्म है, ये क्या करती है? बेसिकली कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी जो है, ओवरऑल द वर्ल्ड भी एक ये कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में ये कदरे नया है, लेकिन फिर भी ये, अगर जैसे कि नाम से जाहिर है कि कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होती हैं, कि बेसिकली आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट की प्रोडक्ट्स के हवाले से, कि आप उनको किस तरह से ट्रेड करके प्रॉफिटेबल कर अपने आप को बना सकते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी गेन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि ये मार्केट है, ये डिपेंड करती है रिसर्च बेस्ड, ये मार्केट है, ठीक है। अब रिसर्च अब हर कोई नहीं कर सकता। कोई नया बंदा अगर एंटर होता है इस मार्केट के अंदर, तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि उसे कैसे पता चलेगा कि फंडामेंटल टेक्निकल क्या है आज के। तो वहाँ पे जो कैपिटल मैनेजमेंट कंपनीज हैं लाइक अस, ये आती हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जी मैंने जो ऑनलाइन काम किया, मुझे तो लॉस हो गया, मुझे घाटा पड़ गया। बहुत से लोग, मेजॉरिटी ऑफ जो है ना, वो इसी तरह। ऐसा आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? और फिर लोग इस फील्ड को बुरा बना देते हैं। अब बात ये कि अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आती तो आप गाड़ी का एक्सीडेंट करते हैं, और बाद में आप कहते हैं कि जी मर्सिडीज़ ने गाड़ी अच्छी नहीं बनाई या बीएमडब्ल्यू ने अच्छी नहीं बनाई, तो क्योंकि वो गाड़ी मुझसे लग गई। भाई आपको नहीं आती तो आपने इसलिए मार दी, बाकी दुनिया भी तो चला रही है ना। तो हम लोग अगर उसी मार्केट के अंदर रह के उसी मार्केट से कमा रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं वो उड़ा लेते हैं पैसा अपना? तो उसकी वजह ये होती है कि वो प्रॉपर कंसल्टेंसी लेते नहीं, थोड़ी सी फीस से बचने के लिए वो ज़्यादा लॉस कर लेते हैं। हमारा काम ये होता है कि आपके एक्सचेंज, आपको कितने फंड्स हैं आपके पास, आप कितने रिस्क टेकर, आप कितनी आपकी प्रॉफिट के लिए थर्स्ट कैसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम मद्देनजर रखते हुए फिर आपको एक रोड मैप देते हैं कि भाई इक्विटी ये है तो इसके अगेंस्ट आप क्या क्या खरीद सकते हैं, कितनी आपकी होल्डिंग पावर है और कितनी आपकी जो है वो मार्जिन आपको चाहिए ये काम करने के लिए, और कितना आपको पेशेंस चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं आपके पास आया हूँ, मेरे पास कुछ फंड्स हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, किन किन प्रोडक्ट्स को लेके आप मुझे ट्रेड करवा के दे सकते हैं? बेसिकली हम 5 सेक्टर्स में डील करते हैं। बताइएगा। 5 सेक्टर्स में नंबर 1 पे हैं, ये ज़्यादातर कमोडिटी का सेक्टर है। तो पहले नंबर पे जो है वो हमारे पास प्रेशियस मेटल्स हैं, ठीक है। जैसे अगर मेटल्स की बात करें तो हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, प्लैटियम, प्लैटिनम, ठीक है, ये हमारी मेटल्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा एनर्जी सेक्टर है, जो कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, नेचुरल गैस, इसमें 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है फॉरेक्स सेक्टर, जो कि बहुत फेमस है। लोग फॉरेक्स का नाम तो सुनते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता। बेसिकली ये है फॉरेन एक्सचेंज से, ये सर शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है कि बेसिकली आप एक करेंसी की कन्वर्जन दूसरी करेंसी में करते हैं। ज़्यादातर आप ये काम तब करते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, कि अगर आपने लेट से बाहर जाना है, अमेरिका जाना है, तो आप डॉलर ले लेंगे, अगर आपने सऊदी अरब जाना है तो रियाल ले लेंगे, अगर इस तरह किस मुल्क में जाना है उसकी करेंसी ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो लोकल करेंसी चलेगी। बिल्कुल ठीक। कई लोग तो इस पर्पज़ के लिए करते हैं, कई इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, कि लेट से कि डॉलर लेके रखे थे, अब डॉलर का रेट इंक्रीज कर गया, उन्होंने दोबारा जब उसे बेचा तो उसे ऐसे प्रॉफिट कमा लिया। बिल्कुल ठीक। जो कि इलीगल है। फिजिकली कोई भी करेंसी अगर आप होल्ड करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये कानूनी तौर पर इलीगल है। लेकिन आप अगर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर यही काम करते हैं, एक करेंसी की कन्वर्जन दूसरी के साथ करते हैं, या आप यूरो ले लेते हैं, आप पाउंड ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन, 6 मेजर करेंसीज हैं, अगर आप वो लेते हैं तो उस पर आप प्रॉफिट कमाते हैं। तो आपको जस्ट एक CGT कैपिटल गेन टैक्स 5% का देना है, और उसके बाद आपकी इनकम वाइट है, और आपको कोई गवर्नमेंट मना भी नहीं करती वहाँ पर काम करने में, क्योंकि वो प्रॉपर चैनल के थ्रू। बिल्कुल ठीक। इसी तरह फिर आपके पास चौथा सेक्टर आ जाता है एग्रीकल्चर का, जो कि आपकी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल क्रॉप्स हैं, वीट है, राइस है, रेड चिली है, कॉटन है, कॉर्न है। उसके बाद आपके पास जो सबसे पांचवा जो सेक्टर है वो बड़ा मज़े का सेक्टर है, और ये बहुत एक अच्छी बात भी है कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप वो सेक्टर को में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है इंडेक्स, जिसे हम
इंडेक्सेस कहते हैं बेसिकली जमा उसकी इंडेक्स ट्रेडिंग। तो जैसे आपके कैसे 100 है कराची स्टॉक इंडेक्स है हमारा पाकिस्तान का 100 कंपनीज जो हमारी टॉप कंपनीज जो शेयर जिनके ट्रेड होते हैं उनका एक इंडेक्स भी है, ये भी ट्रेड होता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो आप दुनिया की बड़ी कंपनीज का जो इंडेक्स है जो कि ट्रेड होता है वो पाकिस्तान में बैठ के लीगल प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे होते हैं। ये टोटल अगर हम करें तो ये 5 सेक्टर्स। अच्छा, 5 डिफरेंट आपने बताया कि हमारे पास ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने की। अब मुझे बताएं कि मैं आपके पास आया हूँ तो एज ए क्लाइंट कह लें या एज ए कस्टमर कह लें, तो अब स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप तो ये है कि हम आपसे पूछेंगे कि जी आप क्या इस फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है आपका। अगर तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो वो पहले वो देखा जाएगा, आपको जज किया जाएगा। अगर आपको बिल्कुल आप कहते हैं जी मैं बिल्कुल मुझे कुछ नहीं जीरो है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो होती है हमें, लेकिन क्योंकि डेफिनेटली हम हालांकि हम इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारा काम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नहीं कि आपको वो इकोनॉमिक्स की चीज़ें सिखाएं, तो हम आपको एक 3 सेशंस होते हैं हमारे फ्री में 3 दिन के, एक दिन में भी हम कर सकते हैं वो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो बम्बावेंट हो जाती है बहुत ज़्यादा नॉलेज की। तो हम 3 दिन में वो 3 सेशन करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके हम कोई चार्ज नहीं करते, कोई भी आके सीख सकते हैं। जो अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, चाहे पैसे जमा करवाए ना करवाए, अकाउंट ओपन करवाया तो हम उसे 3 सेशंस देते हैं। वो 3 सेशंस क्या हैं? वो 3 सेशंस ये हैं कि उसमें हम आपको इसकी बुनियादी चीज़ें बताते हैं कि इसको एक एप्लीकेशन किस तरह होती है, इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, हम आपको वो उसको ट्रेड करना उसमें कैसे होता है, डमी ट्रेड करके भी आपको दिखाई जाती है। उसके बाद फिर आपको जो हमारी रिपोर्टिंग होती है डे टू डे उसको डिकोड करना बताया जाता है कि आपने जब ये रिपोर्ट आती है तो आपने क्या क्या इनमें से चीज़ें देखनी है और किस तरह से ट्रेड फुट फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, तो ये हम आपको एक बेसिक ट्रेनिंग में वो क्लियर करवाते हैं। तो आप जब आते हैं आपसे एक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन होता है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आईडी कार्ड है, नेक्स्ट ऑफ किन का आईडी कार्ड है, एक प्रूफ ऑफ आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक चेक जो ब्लैंक होता है वो हो, तो ये 2-3 चीज़ें लगती हैं, इनकम प्रूफ चाहिए होता है और उसके बाद आपका अकाउंट हम अप्लाई कर देते हैं। 3-4 दिन का अकाउंंट ओपनिंग प्रोसीजर होता है, वो आपका जब OTP और यूज़र नेम आ जाता है तो आप उसमें पैसे डलवा के आपका एक अकाउंट खुलता है MCB के अंदर, जो कि एक सब कलेक्शन अकाउंट है, वहाँ पे आपके अपने ही नाम का अकाउंट खुलता है एक नया अकाउंट, उसमें आपने पैसा डालना है, किसी को देना भी नहीं, आपने अपने ही अकाउंट में पैसा जब आप डालेंगे डिपॉजिट करेंगे तो आपको जो ट्रेडिंग ऐप है उसके अंदर पैसा शो हो जाएगा जो कि आप आराम से जिस पर ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड में हमारे पास वो जो 5 डिफरेंट आपने बताए हैं हमें प्रोडक्ट्स बताइए, ये 5 डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसकी ये टोटल अगर प्रोडक्ट्स करें तो 36 प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, मतलब 5 मेन सेक्टर्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब क्योंकि मैं एक इस फील्ड में नया हूँ तो फिर अकाउंट भी आपने क्रिएट कर दिया, आगे फिर आप गाइड भी करते हैं कि आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें और उसमें ना करें, अभी ये ट्रेंड चल रहा है? डेफिनेटली ये तो लाजमी है, वो जो हमारी रिसर्च को डिकोड करने का तरीकाकार बताया जाता है। ठीक है, वो वजह ये होती है कि आपको एक ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ऐड कर लिया जाता है, जब आप पैसे डाल के डिपॉजिट करके आप प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं ट्रेडिंग के लिए रेडी होते हैं, फिर आपको डे टू डे रिसर्च सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, आपको रिपोर्ट्स दी जाती है फंडामेंटल और टेक्निकल, उसके अंदर आपका 80% काम हम कर देते हैं रिसर्च का काम, क्योंकि अगर आप ये करेंगे, अगर आप रिसर्च भी खुद करें कर सकते हैं, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है। डेफिनेटली अगर आप इकोनोमेट्रिक्स आपने पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, आपको फोरकास्टिंग आती है, टेक्निकल रिसर्च आती है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, और एक वक्त आता है कि हर बंदा जो है ना उसको पैटर्न समझ आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन तब तक हम आपको एक रिपोर्ट जो है वो भेजते रहते हैं जिससे आप रहनुमाई ले लेते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होती। ये नहीं हम कह सकते कि एवरीबडी देयर इज़ अ चांस ऑफ मार्जिन ऑफ एरर, क्योंकि वो ह्यूमन की बनाई हुई है, वो 90% तक उसकी एक्यूरेसी भी होती है, लेकिन 100% इस मार्केट में कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर किसी को इल्मे गैब हो तो फिर तो उसे ज़िंदगी में और कोई काम ना करे। और ये मेरा चैलेंज भी है सबको, पाकिस्तान में जो भी ये जो कोई अगर कोई पामिस्ट हैं या ये जो लोग हैं जो अपने आप को पहुंची हुई चीज़ कहते हैं, बाबे कहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर कोई भी बाबा इस मार्केट का कल का खबर दे दे, मैं हर घंटे को उसे 1 करोड़ रुपया दूंगा कि वो बैठ के ये बता दे कि अगले दिन में क्या होने वाला है, तो हम 1 अरब रुपया कमा लेंगे एक दिन के अंदर। तो डेफिनेटली कभी ये नहीं होता कि सब कुछ 100% हो, डेफिनेटली हमें एक्सपोज करना पड़ता है, हमें उसमें से कुछ प्रोविजन लेनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, जैसे कि आपकी वेदर फोरकास्ट है, कभी ये तो नहीं होता कि वही हो जाए जो वो कहा है उन्होंने, एज इट इज ही हो, डेफिनेटली वो एक अंदाज़ा होता है, फोरकास्टिंग होती है, प्रेडिक्शन नहीं कह सकते इसे।
अब मुझे ये बताइएगा कि अब आपने गाइड किया, आपकी जो BCM फर्म है, कैपिटल मैनेजमेंट फर्म है, इसने हमें गाइड किया कि जी इसका ट्रेंड चल रहा है, तो आगे फिर वो डिसीजन मेकिंग मेरे पास फाइनल है कि मैं कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपने अपनी इस ऐप के थ्रू। डेफिनेटली आपको आपको जो डिसीजन मेकिंग होती है वो हमेशा इन्वेस्टर की अपनी होती है कि वो कितना रिस्क लेता है। वो हम उसको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो पहले ही उसको बता दिया जाता है कि जी अगर आप रिस्क टेकर हैं, किस लेवल के रिस्क टेकर हैं, तो आपको क्वांटिटी बताई जाती है अकॉर्डिंग टू योर इक्विटी साइज कि आपने इससे ऊपर नहीं जाना। अगर आप बहुत एक सेफ और सिक्योर प्ले करना चाहते हैं तो आपकी ये क्वांटिटी, अगर आप मीडियम प्ले करना चाहते हैं तो ये क्वांटिटी, और अगर आप अग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर ये क्वांटिटी। वो क्वांटिटी डिपेंड करती है आपकी कि आपने कितना माल लिया। तो डेफिनेटली हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। थैंक यू मिस्टर हसन, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया, बड़े इफेक्टिव मैं समझता हूँ मैसेज आपने दिया है जो हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बहुत से लोग उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, बस देखी देखी वो इसको इसमें इन्वेस्ट करते हैं और बाद में वो रेवेन्यू नहीं अर्न कर पाते तो फिर वो कहते हैं जी बिज़नेस बुरा था। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स आपने हमें देखा, थैंक यू वेरी मच।